क्या सत्ता विरोधी आवाजों को दबा दिया जाएगा? जो भी आवाज भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेगी, क्या उसे दफन कर दिया जाएगा? क्या चुनाव के मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार धार्मिक तौर पर संवेदनशील बयान देते रहेंगे, कथित तौर पर धर्म के आधार पर वोट की मांग भी करते रहेंगे? भाजपा के तमाम नेता चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते रहेंगे और चुनाव आयोग खामोशी से यह सब देखता रहेगा? कल कांग्रेस जो है चुनाव आयोग पहुंची, उन्होंने सीधे शिकायत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कई मुद्दे उठाए गए हैं दोस्तों। कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री बार बार उनके घोषणा पत्र की तुलना आजादी से पहले की मुस्लिम लीग से कर रही है, यानी कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से कर रही है जिसका धर्म निरपेक्षता में कोई विश्वास नहीं था, एक ऐसी पॉलिटिकल सोच से कर रही है जो जिम्मेदार थी पाकिस्तान के बनने को लेकर। मगर सुविधावादी तरीके से प्रधानमंत्री बताना भूल जाते हैं कि भाजपा के वैचारिक पूर्वज जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ थे, उनके साथ सरकारें बनाई, उनके साथ भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी किया। कांग्रेस चुनाव आयोग के पास पहुंची और उसने मुद्दे उठाए। उसने यह भी कहा कि आप किसी घोषणा पत्र की आलोचना कर सकते हैं, मगर कुछ लक्ष्मण रेखाओं में रहकर। सुनिए क्या कह रहे हैं सलमान खुर्शीद। उन्होंने बात यह कही है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि झूठ का पुलंदा है, इसका हमें बड़ा दुख है। आप कहीं भी डिसएग्री कर सकते हैं किसी और पार्टी के साथ, आप उसके तर्क दे सकते हैं, आप उसका कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित रही, वो ऐसा झूठ का पुलंदा अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी, जबकि एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो लिखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये आज़ादी से पहले जो यहाँ व्यवस्थाएँ थीं या जो वातावरण था जिसमें कि जो पार्टियाँ आज़ादी का विरोध कर रही थी या हमारे सेक्युलर समाज का विरोध कर रही थी, उन पार्टियों का ये मैनिफेस्टो लगता है। इस बात का हमें अत्यंत दुख है और हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और उनसे विशेष आग्रह किया है कि इसको गंभीरता से वो लें और इस पर जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई तत्काल करें। और बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि एक YouTube चैनल बोलता हिंदुस्तान को ब्लॉक कर दिया गया है, और बात वहां तक सीमित नहीं है। एक अन्य चैनल का मोनेटाइजेशन, यानी कि आप जो YouTube से पैसा कमाते हैं उसे खत्म कर दिया गया है, यानी कि रोजी रोटी को खत्म कर दिया गया है एक YouTube पत्रकार के। और बात वहां नहीं रुकती, इसके अलावा अन्य YouTube चैनल्स को भी यह चेतावनी दी गई है कि क्यों ना आपके YouTube चैनल को बंद कर दिया जाए। ये कहा गया है कि क्यों ना बंद कर दिया जाए। बंद नहीं किया गया है क्योंकि बोलता हिंदुस्तान को लेकर YouTube ने जो कदम उठाया वो भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की चिट्ठी के बाद, उनके ईमेल के बाद, उसके बाद उन्होंने उन चैनल्स को बंद नहीं किया है, मगर चेतावनी दी है, जिसमें एक नेशनल दस्तक है और एक नवीन कुमार, पत्रकार नवीन कुमार का जो YouTube चैनल है वो है। और इसके अलावा मैं आपको बतला चुका हूं कि कई चैनल्स का मोनेटाइजेशन, यानी कि जिस चैनल से, यानी YouTube चैनल से जो आप पैसा कमा सकते थे, उसे खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। एक जो और मुद्दा आज हमने उठाया, पिछली बार जब हम इलेक्शन कमीशन को मिले थे तो हमने फ्री स्पीच का मुद्दा भी उठाया था, और जो डिफेमेटरी पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी के हैंडल पर, जो बहुत सारी ऐसी विभाजक कंटेंट वो बना रहे हैं, वो उनके हैंडल से पोस्ट हो रही है, उसकी शिकायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने आज हमको ये बताया कि उन्होंने फैसला लिया है कि चुनाव के दौरान जो सेक्शन 69 और 79 है आईटी एक्ट का, जिसके 69 और 79 आईटी एक्ट का जो है, जिसके तहत अलग अलग यूट्यूब चैनल को, अलग अलग फ्री स्पीच के प्लेटफॉर्म को बंद किया जा सकता है, उसका पालन नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के दौरान फ्री स्पीच को बिल्कुल बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन इस पक्ष में नहीं है कि कोई भी YouTube चैनल, कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म उस पर बैन ना किया जाए। लेकिन हमने उनको ये भी ध्यान दिलाया कि इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं करने जा रहा है,
इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि वो फ्री स्पीच चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वो कई यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, कई सारे पत्रकारों के हैंडल्स को बैन कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले भी एक यूट्यूब चैनल था बोलता हिंदुस्तान, उसको भी बैन किया गया। और जो बैन किया गया, यूट्यूब की ओर से बताया गया कि इस बैन के वो कारण नहीं बता सकते, क्योंकि मंत्रालय ने उनको कहा है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। हमने ये बात इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखी है कि चुनाव के दौरान ये जो अधिकार है सेक्शन 69 के तहत, वो मंत्रालय के पास नहीं होना चाहिए, वो चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। और चुनाव आयोग हमारी बात से सहमत था, उनका ये मानना था कि चुनाव में फ्री स्पीच को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा दोस्तों कि क्या सत्ता से सवाल करने वाली आवाजों को दबा दिया जाएगा? क्या यही लोकतंत्र का नया चेहरा है? क्या यही संगोल युग अमृतकाल का लोकतंत्र है? और मोदी सरकार करना क्या चाहती है? क्योंकि देखिए, यूट्यूब को फरमान आया सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से। दिलचस्प बात यह है कि जिन तमाम न्यूज चैनल्स को या तो बंद कर दिया गया है या बंद करने की चेतावनी दी गई है, उन्हें वजह नहीं बताई गई। मैं यही बात बार बार कहता हूं, क्या यूट्यूब के यही पैमाने अमेरिका में भी हैं? अमेरिका में भी, जहां यूट्यूब का जन्म हुआ है, वहां पर जब आप कोई चैनल बंद करते हैं सरकार के कहने पर, तब आपको वजह बतानी पड़ती है, मगर इन चैनल्स को वजह भी नहीं बताई गई है। यही सवाल कांग्रेस उठा रही है और उन्होंने बाकायदा एक खत लिखा है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें गुरदीप सप्पल के दस्तखत भी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। यही नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा यह भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुलेआम सेना की वेशभूषा पहनकर चुनावी प्रचार में उतर रहे हैं और यह चुनाव आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। क्या कह रहे हैं पवन खेरा, ये सुनते हैं। हमने चुनाव आयोग के समक्ष एक ऐसी बात भी रखी जो बार बार हम पहले भी उठाते आए हैं कि प्रधानमंत्री के जो सैन्य बलों के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं, उनकी चित्रों का, उनकी फिल्म्स का दुरुपयोग करना चुनाव के दौरान, जहां प्रधानमंत्री सेना की यूनिफॉर्म में होते हैं या एयरफोर्स की कैप लगाकर प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, वो उस पर हमने अपनी बहुत घोर आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि पहले भी हम वो आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और पहले चुनाव आयोग की एडवाइजरीज हैं कि यह नहीं किया जा सकता चुनाव के दौरान। तो आज हमने चुनाव आयोग को उनकी अपनी एडवाइजरीज भी स्मरण कराई, ये आप ही की एडवाइजरीज हैं और ये बार बार रिपीट ऑफेंडर है बीजेपी, उस दिशा में भी चुनाव आयोग को कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, एक तरह से कहा जा सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में कई चुनाव हुए, मगर ऐसा चुनाव आज तक नहीं हुआ है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि भाजपा के नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं, धर्म के आधार पर वोट भी मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं अरुण गोविल, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था, हाथ में श्री राम की तस्वीर लेकर वोट मांग रहे हैं। कल ही मैंने आपको अपने कार्यक्रम में भाजपा के नेताओं के तीन बयान सुनाए थे, जिसमें राजेश मिश्रा थे, अरुण गोविल थे और राजवर्धन राठौर खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सुनिए ये तीनों क्या कह रहे हैं। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे काशी नजर आता है। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे राम मंदिर नजर आता है। क्या आपको नजर आता है राम मंदिर बनते हुए? आपने इनको वोट दिया तभी राम मंदिर बना। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। अगर रिकॉर्ड जीत दर्ज हासिल नहीं हुई तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? उस शहर में, जिस शहर में राम का चरित्र का अभिनय करने वाला व्यक्ति अपने घर वापस आया है, भगवान राम की मूर्ति से आंखें ठीक से मिला सके, आपने ईवीएम का बटन दबाया है और वो बटन दबाया है जिसकी वजह से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मगर अब तक चुनाव आयोग ने इस पर कुछ नहीं किया। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठेगा ना, जब विपक्ष ये मांग करता है कि भाई आप वीवीपैट की व्यवस्था को बहाल करें, यानी कि जो भी व्यक्ति वोट डाले उसके बाद उसे वीवीपैट का पर्चा मिले, वो अपने वोट के साथ उसका मिलान करे और फिर उसे एक बक्से में डाल दे। बहुत ही एक आसान सी मांग है, मगर चुनाव आयोग ये भी मानने को तैयार नहीं है। सोर्स कोड को लेकर लगातार सवाल पैदा हो रहे हैं। ईवीएम के बक्से कहां रखे जाते हैं, किसकी निगरानी में रखे जाते हैं, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही नहीं, जो कंपनी ईवीएम्स बनाती है उसमें भाजपा के 5-5 सदस्य काम करते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं बार बार कहता हूं,
मुझे और सबूत चाहिए इस बात पर विश्वास करने के लिए कि ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है। यकीनन ईवीएम एक टेक्नोलॉजी है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है, मगर जैसे मैंने कहा मैं और भी प्रमाणों का इंतजार करना चाहूंगा। मगर इसका अर्थ यह कतई नहीं कि ईवीएम्स को लेकर जो विरोधाभास हैं, ईवीएम्स को लेकर जो गलत फहमियां हैं, उसे दूर करने का प्रयास जो है वो चुनाव आयोग करे, जो नहीं कर रहा है। विपक्ष पहुंचा हुआ है, विपक्ष की आवाज भी नहीं सुनी जा रही है, जो अपने आप में कितना शॉकिंग है। इसीलिए क्या इस चुनाव को बराबरी का कहा जा सकता है, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।